हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज बात करेंगे मूवी फर्ज के बारे में। BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में 15 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने के बाद 3 फरवरी 2023 को भारत में हिंदी में रिलीज हुआ है। और ये फिल्म बनी है बांग्लादेश के ढाका में हुए एक बेकरी पे हुए आतंकवादी हमले के ऊपर, जो 2016 में हुई थी। आप सोचोगे बॉलीवुड वाले को बांग्लादेश की कैसे याद आ गई। इतने सारे आए दिन घटना सुनते आते हैं हम, हिंदुओं के ऊपर गांव के गांव जला दिया जाता है वहां बांग्लादेश में। इतने सारे अत्याचार के आए दिन घटना आते रहता है वहां से, फिर तो बॉलीवुड को कोई बांग्लादेश का याद नहीं आया। आज क्यों याद आया? आज इसलिए क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, हमला करने वाला भी मुसलमान और हमलावर से बचाने वाला भी मुसलमान। उस बेकरी में जो मुसलमान 2016 में हमला किया था, वहाँ जितने भी कस्टमर थे उसमें से चुन चुन के जो मुसलमान नहीं था, कलमा पढ़वा पढ़वा के जो नहीं पढ़ता था उसको मार देता था। ये रियल घटना था, उसी पे ये मूवी बनी हुई है। और ये मूवी वही दिखाता है कि कुछ भटके हुए मुसलमान पूरे मुसलमान को बदनाम कर। ये मूवी बनाने का मकसद बस इतना ही था कि ये दुनिया को ये बताया जाए कि कुछ भटके हुए मुसलमान है जो सारे मुसलमान को बदनाम करता है। जब ये फिल्म ख़त्म होता है, वहीं पे फिल्म दिखाती है उस हमले में मरे हुए हिंदू का जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तो वहाँ हिंदू अपने गले में गमछा लेके, बांग्लादेश में हिंदू पूरा एक संगठन दिखाया, संगठन के जैसे गले में भगवा गमछा ले रखा है और चिल्ला रहा है खून का बदला खून, खून का बदला खून। बांग्लादेश में हिंदू एक संगठन, उसके गले में भगवा गमछा और चिल्ला रहा है खून का बदला खून लेंगे। जो लगभग 30% था बांग्लादेश में हिंदू, आज घट के 5-4% पर रह गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सिर्फ 1.25 घंटे की मूवी है, टेक्निकली वेल मेड है, सभी के एक्टिंग अच्छे हैं। हर्षल मेहता ने इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन भी अच्छे हैं, अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ ये मूवी बनी हुई है। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 में से 1.5 स्टार। चलते हैं फिर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।